नमस्कार दोस्तों, मास्टर मेमोरी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मास्टर मेमोरी आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग कोर्स। अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं जो कि है सॉफ्टवेयर का, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन का पे डिटेल दिया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, क्विज 17 यानी क्वेश्चन 17 में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, आपको अंतर बताना था दोस्तों। जो सैमसंग के फर्मवेयर्स आते हैं उसमें 4 फाइल, सैमसंग के 2 टाइप के फर्मवेयर्स आते हैं। आपको पता होगा कि सैमसंग के जो 4 फाइल फर्मवेयर्स आते हैं और PDF फर्मवेयर आते हैं जो कि सिंगल पैकेज होता है, उसमें क्या फ़र्क है। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने सही आंसर्स दिया है, जैसे मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स यहाँ पे नोट डाउन भी किए हैं आपको दिखाने के लिए। दोस्तों, इसमें है सपोर्ट फॉर बेटर ने क्वेश्चन आंसर दिया था, PDF फाइल 4 फाइल का ही कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन 4 फाइल से हम प्रॉब्लम के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हम किसी का डेटा इरेज करना नहीं करना है तो हम CSV फाइल से फ्लैश नहीं करेंगे। दोस्तों, एक काफ़ी सटीक आंसर इन्होंने दिया है, काफ़ी लगभग बहुत ही अच्छी तरह से आंसर दिया है इन्होंने, काफ़ी सटीक आंसर दिया है। उसके बाद दोस्तों, वी खान ने भी आंसर दिया था। दोस्तों, ऐसे काफ़ी लोगों ने आंसर दिया है, मैंने 2-3 लोग का ही ये कमेंट्स लिखा है यहाँ पर। उन्होंने कमेंट्स किया था, PDA फाइल से अपग्रेड एंड फ्लैश कर सकते हैं, 4 फाइल को रिपेयर फर्मवेयर एंड फुल फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इनका भी आंसर सही है। ऐसे दोस्तों, काफ़ी लोगों ने जो आंसर किए हैं वो लगभग सही आंसर किए हैं। तो इसका मैं आपको पूरा सही से मतलब समझाना चाहूँगा। दोस्तों, PDA और 4 फाइल यानी हम अगर हमें 4 फाइल से हम फ्लैश करते हैं तो कंप्लीट डेटा, आप कभी भी आप मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करेंगे, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में आपको फर्मवेयर अपग्रेड नहीं करना है, आपको फुल फ्लैश करना है, तो आप 4 फाइल यूज़ कीजिए, डेटा के साथ पूरा इरेज हो जाएगा। बट आप PDF फाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप फर्मवेयर को अपग्रेड करेंगे, फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग, इसमें आपका डेटा इरेज नहीं होता। अब इसका क्या फ़र्क है दोस्तों, कि ये डेटा क्यों PDA में इरेज नहीं होता और 4 फाइल में इरेज हो जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों कि 4 फाइल में एक CSV फाइल भी आती है। जैसे आपको पता ही है कि सैमसंग के जो 4 फाइल है उसमें लास्ट फाइल जो होती है वो CSV फाइल होती है, बट PDA जो कॉम्बिनेशन होता है वो सिर्फ 3 फाइल का ही कॉम्बिनेशन होता है, उसमें CSV फाइल का कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया है, इसलिए आप उसे फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे फ़ोनों को आप उसमें फ्लैश करें जो कि नॉर्मल डाउनग्रेड वर्जन हो, और अगर आपको फर्मवेयर अपग्रेड करना है तो आप PDA फाइल का यूज़ करें। दोस्तों, उसमें आपका मोबाइल फ़ोन में डेटा भी इरेज नहीं होगा और सेकंड थिंग, आपका मोबाइल फ़ोन भी फुल रिपेयर हो जाएगा। वीवो और ओप्पो फ़ोन को फ्लैश करने के लिए आप कौन से टूल का यूज़ करेंगे? दोस्तों, आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आप ओप्पो मोबाइल फ़ोन जो आते हैं और वीवो मोबाइल फ़ोन जो आते हैं उनको फ्लैशिंग करने के लिए बिना बॉक्स के आप कौन सा टूल यूज़ करेंगे, आप कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस हैं कि कौन कौन से आप फ्लैशिंग टूल्स आप यूज़ कर सकते हो ओप्पो और वीवो मोबाइल फ़ोन फ्लैश करने के लिए। तो दोस्तों, मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा, साथ ही साथ बताइएगा दोस्तों ये क्विज आपको कैसा लग रहा है, और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ऐसे ही रोज़ाना वीडियोस देखते देखते काफ़ी चीज़ें सीखेंगे और काफ़ी चीज़ें जानेंगे। आगे और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज होने वाला है दोस्तों, तो काफ़ी आप अच्छे से रिस्पॉन्स कीजिए, हमें लाइक्स वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।